भोग नहीं पैंदा कदे कहंदा है। याद रखो मेरी गल, मैं फिर कहे तू जवाब नहीं दऊ, मर्यादा च रहूं। लेकिन कांग्रेस इसे तरीके ने उठी जाए, इस तरीके ने उठी। 10% ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲਗੂ, ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲਗੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਾਓਗੇ, ड्रामा कर रहे हो। अगर गलत तो गलत नु गलत कहिए, सही नु सही कहिए, नहीं तो मुद्दा ना छेड़िए, नहीं तो मुद्दा ना छेड़ो, नहीं तो बेरोजगारी दूर हो सकती है। और जिथे ती आम जनता की गल करिए, आम जनता बहुत परेशान है इस महंगाई तो, और मोदी साहब तो जवाब चाहती है। और भगवंत मान जी की जी नवी नवी सरकार बनी है, उसे भी टिप्पणियां हुई होनी चाहिए। ये धरना बहुत उत्साह साढ़े लोग भी बोले और साढ़े वर्कर्स ने सुनिया भी, और सुनेहा बहुत अच्छा सारे पंजाब जाना सी, जिहड़ा हुण जाना नहीं मंदभागी गल। कारण की मानते हो? मैं अपने परसनल व्यूज एयर नहीं करांगा, लेकिन अगर सिर्फ
देखन देखती रहे करे कुछ ना तो फिर मैं समझा कांग्रेस लई ए कोई अच्छी राणा जी थानू नहीं लगता लोकां दे मसले ते प्रोटेस्ट सद्या गया सी आपसी लड़ाई च निपट गया सर किस नु मानदे डिसिप्लिन सब तो बड़ा डिसिप्लिन शुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द हाई कमांड एट एनी कॉस्ट किसी को सर्टिफिकेट देने का समय नहीं था, आज समय था बरकत को उत्साहित करने का। उन्होंने उत्साहित भी करा लेकिन ये बात उनसे गलत हो गई, जाने में हुई अनजाने में हुई। हो थानू लगदा तमाशा बना के रखता चीजों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। इस तरह की गल कहते हुए नजर आए ने, कहते मैं किसी का नाम नहीं लेना, तुम कह रहे हो ना लो, फिर फिर मुद्दा भी ना छेड़ो, फिर मुद्दा भी ना छेड़ो, फिर मुद्दा ना छेड़ो, जे आप ना नहीं लेना फिर मुद्दा क्यों छेड़ते हैं? आप ये कह देना भी मैं नाम नहीं लेना और मैं मुद्दा छेड़ भी देना, फिर वो गल नहीं बनती। मैं तो सीधा कहना भी मैं कहना मैं नवजोत सिद्धू ईमानदार हाँ, कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर ईमानदारी ये भी है फिर आप ठोक के कही भी नहीं आप बंदा गलत है या फिर आप फिर मुद्दा ना छेड़िए। आही आही कारण है सत्ता तो बाहर हुई कांग्रेस। मैं यही कहना ना फिर आप डबल स्पीक जो लोगों के गल करनी एक होर पासों तो एक होर पासों अपने एक पास की गल करनी चाहिए सीधी साफ स्पष्ट गल। थानू लगता अज का जो प्रोटेस्ट महंगाई के इशू में लैके सद्या गया महंगाई का इशू ना रहा बल्कि आपसी लड़ाई के कितने ना कि रुलता हुआ नजर आया? तो फिर मैं उही तो तुम्हें कह रहा ना भी फिर आप मुद्दे के उत्ते ना करिए ना गल, फिर आप मुद्दा जेडे उत्ते गल कर रहे वे करिए, अगर करनी है तो फिर चंगी तरह गल करिए, फिर आ कोई गल नहीं बनती। प्रधानगी की लड़ाई ज्यादा नजर नहीं आ रही? नहीं कोई लड़ाई नहीं हैगी, साफ स्पष्ट गल है जो होगा देखी जाऊगी सामने साफ साफ के सामने। पार्टी के डिसिप्लिन है, पार्टी डिसिप्लिन होना चाहिए वा रहना चाहिए, सिद्धू साहब क्या डिसिप्लिन के विच हैगे ने? तो फिर डिसिप्लिन च रखना चाहिए सारा सिस्टम। क्या सिद्धू साहब डिसिप्लिन के विच हैगे ने, मानते हो तुसीं? मैं तो कहना भी नाम अपना गिंदे सब नूं रहना चाहिए वा, मेरे तो लैके सब नूं रहना चाहिए वा, डिसिप्लिन है पार्टी ने वेखना वा डिसिप्लिन की हुंदा वा, पार्टी लाइन के उत्ते गल करनी चाहिए। सीधे स्पष्ट लफ्जा दे विच क्या सिद्धू साहब डिसिप्लिन दे विच हैगे ने या डिसिप्लिन भंग कर रहे ने? देखो वो एज अ प्रधान हैगे आ, अपना सबका प्रधान सीगे, उन्होंने जो भी गल करनी चाहिए आ अपना की कहिंदे उस अहदे दे हिसाब नाल करनी चाहिए आ। मैनू एक गल नहीं ठीक लगी भी आप मुद्दा महंगाई का है, सारी मुद्दों के उत्ते गल है, नाम अगर तुम लैना तो ठोक के नाम लो और अगर नहीं लैना तो आप उस चीज़ के बारे गल ना करो, आप उस चीज़ बारे फिर छेड़िए ना, फिर मुद्दा डाइवर्ट हो जाता, फिर तुम लोग भी असं लोग भी फिर जो मुद्दे उत्ते आए होंगे फिर वो नहीं गल करते। मुद्दा शुरू करता मुद्दा खत्म करने कलैरिटी है सीधी साफ स्पष्ट गल पार्टी मैं कहना वा कलैरिटी कह रहा तुम भी अगर या तो जिन्हें बंद ने गलत किया अगर आप दोबारा बंद दोबारा आप कहेंगे नहीं नहीं ये बंदियां ने गलत किया कोई गल नहीं ये भी ठीक है वो गल नहीं बनती सही जिहड़ी बंदियां ने आप कही भी नहीं हुण आम आदमी नूं भंड लो आम आदमी बारे बोल लो आम आदमी बारे गल कर लो अपने अंदर अपना घर भी दुरुस्त करना पवेगा अपने बारे जो लोग बोल रहे हैं या तो डिसिप्लिन रिएक्शन लैन या उहदे उत्ते गल करन ते फिर तां ही गल बनूगी ना।